इसरो के पास दो छोटे एंटीना हैं जो दोनों एस बैंड और एक्स बैंड में काम कर सकते हैं। इसरो ने ऐसे स्टेशन बनाने की रणनीति अपनाई है जो अन्य मिशनों जैसे रिमोट सेंसिंग, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए 42 एंटीना के अलावा इन दोनों बैंड का उपयोग किया जा सके। एक्स बैंड भी एक तरीके की फ्रिक्वेंसी बैंड ही है। एस बैंड से तुलना करें तो यह 2.2 से लेकर 2.5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी पर काम करती है, जबकि एक्स बैंड 8 से 8.5 गीगाहर्ट्ज़ पर काम करती है। एक्स बैंड पृथ्वी के बाहर के मिशन के लिए संचार का सबसे सटीक बैंड है। आसान शब्दों में कहें तो एक्स बैंड का उपयोग करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी मदद से दूर के सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। एस बैंड और एक्स बैंड ऑटो ट्रैकिंग सुविधाओं से लैस है और नेटवर्क कंट्रोल केंद्र इन दोनों बैंड को कंट्रोल करता है।